श्री रविंद्र कुशवाहा जी का आगमन हुआ है, उनका भी पेपर में हार्दिक स्वागत और नंदन और वंदन है। मैं श्री उपेंद्र तिवारी जी, कहा है वो वैसे का अभी ठीक बयान भी देते हैं क्या विवादित के अलावा, और वो तय करेंगे क्या कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे वो वैसे जी तय करें कि हम संसद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो वैसे तय करें। पुलिस वाले चाहे जो कुछ भी हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाखों लाखों की भीड़ में कहा था कि न गुंडा राज न अत्याचार, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो उस गुंडा राज का आज खात्मा होता नजर आ रहा है कि एक से एक माफिया जेल की सलाखों में अपनी जमानत तोड़वा करके पड़े हुए हैं, और आज उनके घर और अवैध की हुई संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है और नीलामी हो रही है। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार में ही संभव है। ये एक राहुल गांधी का भी बयान आया था कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदूवादी नहीं। अब आज वो तो राहुल गांधी का बयान है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हिंदू और हिंदूवादी में क्या अंतर है, वही बताएंगे। लेकिन जो लोग राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम किए, जो लोग मिलीजुली सरकार राम जन्म में राम मंदिर में ताला लगवाने का काम किए, आज वह लोग राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का यह प्रतीक है कि कम से कम आज राम के शरण में नतमस्तक तो हो रहे हैं, सद्बुद्धि तो जगी, देर से जगी दुरुस्त जगी है, जाना ही चाहिए। और नाग ठाकुर आ रहे हैं।